तो पत्रकारों ने पैसे वापस क्यों नहीं किए? आप किस अखबार से हैं? मैं स्टार समाचार का संपादक हूं यहां और इस खबर को प्रमुखता से दिया है। हमारा रिपोर्टर भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पत्रकार वार्ता जैसे होती है वैसे हुई। सांसद जी ने, गणेश सिंह जी ने पत्रकार वार्ता संबोधित किया, लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह जी भी थे और तमाम सवाल जवाब हुए। और इसके बीच में ही जो मीडिया प्रभारी थे सूर्यनाथ सिंह हरवाल, ऐसा बताया मेरे रिपोर्टर ने कि उन्होंने एक लिफाफे सभी पत्रकारों को दिए, क्योंकि वो ऐसा मौका नहीं रहा होगा कि वो लिफाफा वहीं पे खोल के देखा जाता कि इसमें रुपए हैं या प्रेस नोट है। तो मेरा रिपोर्टर जब बाहर आया तो उसने लिफाफे से देखा तो उसमें 500 रुपए का नोट था। उसने मुझे खबर की, मैंने कहा ये तो आडवाणी जी की जन चेतना यात्रा से भी बड़ी खबर है। और तुम केशव पंडित जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी एक नोट है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटा गया था। सचिन, वो दिखाना चाहेंगे? ये यही नोट था वो जब बांटा गया था प्रेस? ये नोट उस लिफाफे में था और जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने देखा कि इसमें नोट है, तो देख करके फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो सुरेंद्र सिंह जी हैं, आपने वापस क्यों नहीं किया ये नोट? आपने रखा उसको अपने अखबार में छापेंगे कि ये नोट बांटा गया, और अगर हम ये नोट उनको वापस कर देते तो वो ये भी कह सकते थे कि हमने आपको कोई नोट नहीं दिया, आपके पास क्या प्रमाण? आपने विरोध नहीं जताया, आपत्ति नहीं व्यक्त? हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी से बात की कि ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी हमारे महामंत्री सूर्यनाथ सिंह गहरवार हैं, आप उनसे बात करिए। उन्हें इस बात का कोई पश्चाताप और कोई मलाल नहीं था कि इस तरीके के नोट बांटे गए या पत्रकारों को बांटे गए। ये पत्रकारों को खरीदने की कोशिश की गई थी क्योंकि यहाँ का मंत्री, सांसद, विधायक, बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं, तमाम तीन वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के सतना के, जिनका साफ तौर से कहना था कि आडवाणी की यात्रा की सुर्खियां देने के लिए ये नोट बांटे गए थे। जी जाहिर सी बात है अशोक, और ये खबर यहीं पर दबने वाली नहीं है, क्योंकि खबर अगर इस तरीके से पत्रकार बोल रहे हैं तो खबर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फजीहत जरूर पैदा करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया।